हेलो मेरे कंपास विद लेंस की फैमिली, अब तो ये फैमिली बहुत बड़ी होती चली जा रही है डे बाय डे। और ये सब भी बच्चों आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग लाइक करते हो वीडियोस को, आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं और सब्सक्राइब करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, स्कूल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, हर जगह आप शेयर कर रहे हो, जिससे कि ये वीडियोस आपके थ्रू बाकी बच्चों के पास भी पहुंच रही हैं। उसके लिए मैनी थैंक्स, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आपका, बहुत थैंक यू है आपका, और आपका बहुत बहुत आभार है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 11 है। इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में, यानी हम सांस किस तरह से लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब ही सांस का जो प्रोसेस होता है उसे समझना है, किस तरह से लेते हैं, ये कितने तरीके का होता है, ये हम बहुत शॉर्ट तरीके से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसका डिटेल मैं सेकंड पार्ट में दूंगी। इस चैप्टर के मैं दो पार्ट्स बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और उसके टाइप्स, ये हम कवर करेंगे। आई होप आप सबको अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सब समझ आई हैं, सबको बहुत पसंद आई है। तो चलिए एक बार फिर जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, तो उससे जो भी रिलीज हुई है एनर्जी वही हमारी बॉडी को लगती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है और जो एनर्जी मिली है वो रेस्पिरेशन की ही वजह से मिली है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, कौन सा प्रोसेस बच्चों, डाइजेस्टिंग जो हो रहा है, फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है उस टाइम पर, जो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो फूड आपने खाया है, अब जंक फूड की बात नहीं हो रही है, जंक फूड में बच्चों किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, इसीलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, और इसीलिए हमें, अगर हम उसे खाते हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, हम थके थके से आलस में रहते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हेल्दी फूड से मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये जो डाइजेस्टेड फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ, जो हमने सांस ली है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है। कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इसका, इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। जब ये रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ये जो रिएक्शन हुआ है इसी को ऑक्सीडेशन बोला गया है। यहाँ से यहाँ तक का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रोसेस बताना है, उसके बाद में जो डाइजेशन फूड का हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया है, रिलीज हुई एनर्जी, इसी का ऑक्सीडेशन वर्ड बना है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन क्या है इसके बारे में हम सीख रहे हैं। रेस्पिरेशन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर, यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये किस वजह से हुआ, जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है उससे एनर्जी मिली है। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, एलिमिनेटिंग मतलब ख़त्म होना हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं बाहर, किस फॉर्म में निकल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं, और इसके अलावा जो सांस छोड़ रही हैं बच्चों उसके अंदर भी वेपर होता है। आप अपने जब सांस लेते हैं बस सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं एयर को, तो अपना हाथ अपनी नोज़ के सामने रखिएगा और आप
महसूस करेंगे, आपको फील होगा कि आपका हाथ हल्का सा मॉइस्ट हो गया, यानी गीला हो गया है, क्योंकि उसके साथ में वाटर है, वेपर है, जो बॉडी की गर्म हवा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं द टू मेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब दो प्रोसेस रेस्पिरेशन के कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी जो हम बाहर हम करते हैं, आप करते हैं, या पूरी दुनिया के हर लोग करते हैं, जो सांस लेना और छोड़ना, इसी को ब्रीदिंग कहा गया है, और इसी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जो हम हवा में जो ऑक्सीजन है उसे अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है जिस एयर में, उसे हम बाहर छोड़ रहे हैं, यानी एक्सहेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसी में, अब दूसरा कौन सा प्रोसेस हुआ है, एक तो एक्सटर्नल हुआ और एक दूसरा आया है इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों ये टर्म्स आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से आता है, कई बार इंटरनल के नाम से आता है, और बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हर टर्म का हमें पता होना चाहिए कि किसी एक चीज़ के लिए कितने टर्म्स यूज में आ रही हैं। ओके, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। अब वो ऑक्सीजन को यूज़ करना जो हमारी बॉडी के अंदर है, अब उसकी वजह से जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और उसी से एनर्जी रिलीज हो रही है। इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स इन द बॉडी सेल, और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है ये बॉडी सेल के अंदर होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम देख सकते हैं, हमें पता चलता है, बट इंटरनल रेस्पिरेशन हमें ना हम देख सकते हैं और ना ही हमें पता चलता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर अपने आप ही प्रोसेस होता है। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब इस रेस्पिरेशन में क्या है कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं एंड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही हमारी बॉडी से बाहर आता है जब हम एक्सहेल करते हैं, और इस यही काम उस टाइम पर हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इज समराइज्ड हियर। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी फूड का और ऑक्सीजन का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बुक में दे रखा है। मतलब बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अभी और आगे की क्लासेस में इन्हीं टर्म्स में आपको सॉल्व भी करना होता है और आंसर्स में लिखना भी होता है कि ग्लूकोज को हमें किस फॉर्म में लिखना है, ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें ये टर्म्स लर्न करना ज़रूरी। लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सिंस प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, हमें सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए कि लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स भी, केवल वो वॉक नहीं कर सकते, यानी चल फिर नहीं सकते, बाकी सारे काम वो करते हैं। दे ऑल्सो रेस्पायर बाई टेकिंग इन ऑक्सीजन, अब वो भी रेस्पायर करते हैं, यानी सांस लेते हैं, कैसे, ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, अब हम सब के ह्यूमन बींग्स हैं और या फिर एनिमल्स है, उन सब के पास तो नोज होती है या फिर किसी और तरीके से भी वो रेस्पायर करते हैं, यानी ब्रीदिंग लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास कुछ नहीं होता ब्रीदिंग करने के लिए, कोई ऑर्गन नहीं है, तो वो कैसे करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का जो काम चल रहा है उनका, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे आपकी इसमें बुक में
दे भी रखा है डायग्राम, ये स्टोमेटा होता है बेटा। ये जितना भी पार्ट्स होते हैं ये लीव्स के ऊपर होते हैं, लीव्स के नीचे होते हैं सॉरी, ये लीव्स के नीचे होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स के अपर पार्ट पर होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्पायर करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स में और स्टेम में। स्टोमेटा अलॉन्ग विद इट्स नियर बाय गार्ड सेल्स एंड अदर सेल्स आर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। अब स्टोमेटा जो होता है, फिर अगेन आप पिक्चर देखिए, उनके आसपास भी एक गार्ड बना हुआ होता है जैसे कि गार्ड सेल बोला जाता है। ये जितने भी स्टोमेटा होते हैं उनके आसपास बने होते हैं जिन्हें कि स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। ये सारे टर्म्स के क्वेश्चंस बन के आते हैं, ये आपको सब टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि डिफाइंस में या वन वर्ड क्वेश्चन में आते हैं। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना और कॉन्ट्रेक्शन होता है सिकुड़ना। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का फैलना और सिकुड़ना उसी की वजह से होता है विच अकर्स ड्यू टू द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट। जब उसी टाइम पर यह काम होता है जब मॉइस्चर और लाइट उन्हें मिलती है, रिजल्ट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और इसी की वजह से जो स्टोमेटा होता है वो बंद होने का और खुलने का काम करता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स। जो गैसेस का, प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होने का काम है वो एनिमल्स के कंपैरेटिव धीरे होता है, क्योंकि उनको जो मेन ये काम हो रहा है मॉइस्चर और लाइट कब मिल रही है, जब उन्हें सनलाइट मिलेगी और वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे क्लोरोफिल के थ्रू, उसी टाइम पर ये सारे काम होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस एनिमल्स के कंपैरेटिव में स्लो होता है। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें से जो उस टाइम पर ये काम हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ऑर्गेनिज्म वो यूज़ में ले लेते हैं। द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट, और बाकी बची हुई वो हीट के थ्रू ख़त्म हो जाती है, यानी गर्मी से वो खत्म। यू कैन शो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाई एक्टिविटी 1 and 2। अब इसके बारे में 1 and 2 एक्टिविटी के थ्रू ही बताया जा सकता है, और एक्टिविटीज़ मैं आपको कराऊँगी लेकिन बाद में कराऊँगी, पहले हम चैप्टर्स को रीड करते हैं। रूट रेस्पिरेशन, अब रूट रेस्पिरेशन कैसे होता है? रूट सेल्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिसमें कि एनर्जी उन्हें मिल पाए या एनर्जी जनरेट हो पाए। दे गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। अब ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलेगी? जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से गैप बने हुए होते हैं वहाँ पर ये एयर पकड़ लेते हैं, वहाँ पर एयर होती है उसी के थ्रू उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। कभी भी आपने मिट्टी ली होगी हाथ में तो मिट्टी में बहुत थोड़े थोड़े से गैप्स बने हुए होते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट्स। और इसी वजह से जो गमले होते हैं या लॉन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा पानी नहीं डालना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जब ये मिट्टी में पार्टिकल्स होते हैं या जो गैप बने हुए होते हैं, जो जगह होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एयर ट्रैप नहीं हो पाती है मिट्टी में, एयर रुक नहीं पाती है और रूट्स को हवा नहीं मिल पाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से कई बार प्लांट्स सूख जाते हैं। द वाटर रिप्लेसेस द एयर इन द सॉइल। अब एयर की जगह कैसे ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि एयर की जगह वाटर आ जाएगा, जहाँ पे एयर होनी चाहिए वहाँ पर वाटर ने ले ली उसकी जगह सॉइल में। एंड द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ, और रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। दिस अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसकी वजह से प्लांट्स के। मैनग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं बच्चों, ये स्वैम्पी एरिया यानी दलदल जहाँ पर होता है, जहाँ पर कीचड़ दलदल रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब तो हर समय वहाँ पे पानी है, गीला है, कीचड़ है, मिट्टी है, तो वहाँ पर ये
ग्रो होते हैं, लेकिन उसकी वजह से कैन नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल। और जब इतना पानी भरा रहेगा, इतना मिट्टी होगी, इतनी कीचड़ होगी, तो पानी पूरा पूरी तरीके से जो एयर है सॉइल के बीच की वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो तो पूरी तरीके से रुक जाएगी, तो उन्हें एयर नहीं मिल पाती। किसे नहीं मिल पाती? मैंग्रोव ट्रीज को, एज इट इज़ वाटर लॉक्ड। वो क्यों? उसका कारण यही है, वाटर लॉक्ड यानी वो पानी से भरा हुआ है। दे हैव एरियल रूट्स टू टेक इन एयर। अब इसकी वजह से उनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर की तरफ ही झूलती हुई रहती हैं, यानी हवा में रहती हैं। जैसे आपके पिक्चर में यहाँ ऊपर दे रखा है, ये जो है मैनग्रोव ट्री है और ये इसकी रूट्स हैं, वह ये यहाँ पर होती हैं। बेसिकली हमें पता है कि किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं और हम लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन मैनग्रोव ट्री की जो रूट्स होती हैं वो बाहर की तरफ ही ग्रो हो पाती हैं, जिससे कि उन्हें एयर मिलना पॉसिबल हो जाए। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जब प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट होने के टाइम पर, यानी दिन के समय। और रेस्पिरेशन हमें पता है, जो सांस लेने का वर्क हो रहा है बॉडी में। इन प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे। अब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम और रेस्पिरेशन का काम पूरे दिन चलता है, जब दिन निकला हुआ होता है और दिन ढलने तक। सिंस फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी, हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए एक बहुत बड़ी और मेजर यानी बहुत बड़ी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। मोर ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पूरा दिन जो प्लांट्स फूड का प्रोसेस करते हैं या फोटोसिंथेसिस में जो अपना वर्क करते हैं, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। देन इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो उस टाइम पर रेस्पिरेशन का उनका प्रोसेस चल रहा होता है। Therefore, there is a net absorption of carbon dioxide. और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एटमॉस्फेयर में होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द डे। और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी जगह पर ऑक्सीजन रिलीज करा। जैसे हम सब में होता है, हम जितने भी ह्यूमंस हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी उसे बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन प्लांट्स, इसीलिए हमारे नेचर में प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं यानी लेते हैं, और इसी वजह से हम सबको भी ऑक्सीजन मिल पाता है। अदरवाइज जितने प्लांट्स काट रहे हैं आज के टाइम में, जंगल के जंगल ख़त्म हो रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स आ रही हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो उसकी वजह से जंगल के जंगल ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बनाने के लिए ट्रीज को काटना और साफ सफाई होना ज़रूरी है। अब वो तो सब फैसिलिटी मिल गई, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, सारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में बैलेंस था वो ख़राब हो गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स तो बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है। प्लांट्स तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं और ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी को आप शायद समझ पा रहे होंगे, जो चीज़ मैंने अभी आपको पूरी डिटेल में बताई है। बच्चों, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो अब आप भी एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि रोज़ एक बच्चा कोई ना कोई हर जगह पर, मंथ में, ईयर में, अपने बर्थडे पर कभी ना कभी एक पेड़ ज़रूर लगाएगा, एक प्लांट ज़रूर लगाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आगे का अपना प्रोसेस जो भी चल रहा था इसमें बुक में। हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर एट नाइट। अब इसी वजह से फोटोसिंथेसिस पूरे डे टाइम में हो रहा है तो वो रात के टाइम पर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है? अब क्योंकि रात के टाइम तो सन होता ही नहीं है, मून होता है, ये हमें सबको पता है। अब मून के टाइम पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता।
ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस, उस टाइम पर केवल और केवल रेस्पिरेशन चल रहा होता है, क्योंकि भाई प्लांट्स को भी तो सांस लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब उस टाइम पर जब हम 24 घंटे 24 आवर्स दिन रात हम सांस लेते हैं, तो प्लांट्स भी तो लेंगे, विच मीन्स दैट प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। अब उस टाइम पर क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए कई बार हमारे घर में आपने सुना होगा, बड़े जो होते हैं हमारे दादी नानी या मम्मी पापा भी होते हैं, तो वो भी हमें बोलते हैं रात के टाइम पर पेड़ के नीचे नहीं बैठने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बच्चों हमारा रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में चल रहा था वो टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।